देखिए, जब भिवंडी और निज़ामपुर की बुनियाद गिरी, इससे पहले हमारे भिवंडी और निज़ामपुर के दरमियान एक नाला था और नाला एकदम ओपन था। अब नाला जब ओपन था तो उस वक्त की कैफियत ऐसी थी कि लोग उस गांव से इस गांव में दिक्कतें महसूस करते थे आने जाने के लिए, और बहुत गहरे संबंध थे दोनों गांव के। अब ये तकलीफ दूर करने के लिए दोनों गांव वालों ने ये सोचा कि हम एक म्युनिसिपैलिटी कायम करें, और म्युनिसिपैलिटी कायम करने के बाद इससे जो वसूली होगी ज़कात की, तुम्हारे घर पट्टी की, इन तमाम वसूलियों के जरिए हम दोनों गांव के दरमियान सुधारा करेंगे, आने जाने में जो दिक्कतें हो रही हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये सब तमाम बातें बताने के बाद उनको समझाया गया कि जो भी रकम जमा होगी उस रकम से रोड रास्ते की हिफाजत होगी, गंदे पानी की निकासी होगी, उसके अलावा दिया बत्ती का इंतज़ाम होगा। उस दौरान कुछ नहीं था, क्या एक मामूली देहात नुमा था। अब लोगों को कुछ समझ में आ गया तो उन्होंने इसके ऊपर लब्बैक किया। लब्बैक करने के बाद इस पर रजामंदी हो गई। रजामंदी होने के बाद लोगों ने शुरू कर दिया, तो दोनों गांव का मेल पहले पुलिया बनाई गई, तो एक पुलिया बनाई गई नजराना के पास, जो शिवाजी चौक का जो रोड अब जो बोला जा रहा है कि शिवाजी चौक का जो रोड है और तुम्हारा भिवंडी टाकिस तक के जो बाजार पेट तक के आता है, उस रोड पे एक पुलिया थी, वो पहले बनाई गई। और उसके बाद तीन बत्ती के ऊपर इस्लामी होटल और आपका नव भारत होटल के दरमियान एक पुल बनाया गया। फिर उसके बाद जैतूनपुरा और बंगालपुरा, इसको जोड़ने के लिए वहाँ पे एक पुल और बनाया गया, फिर भी कम पड़ गया। तो नीलकंठेश्वर मंदिर के सामने से जो रोड जाता है मर्केंटाइल बैंक की तरफ, यहाँ पर एक पुलिया बनाई गई। वो पुलिया छोटी थी पैदल आने जाने वालों के लिए। फिर उसके बाद निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन के सामने एक पुलिया वहाँ बनाई गई, वो भी छोटी पुलिया थी, लोग पैदल ही आते जाते थे। लेकिन मेन पुलिया तीन थी बड़ी, जिससे गाड़ियों की आमद रफ होती थी। उस वक्त गाड़ी का दौर बहुत कम था। तो नजराना टाकिस का पुल बनने के बाद भिवंडी टाकिस के पास वाड़ा स्टैंड बनाया गया। तो उस वक्त जब बस का दौर शुरू हुआ तो पहली बस वाड़ा स्टैंड उसी पुलिया से गुजरी। दिन भर में दो बस चलती थी, एक सुबह एक शाम, जो जाती थी वही वापस आती थी। तो वो था वाड़ा स्टैंड भिवंडी टाकिस के पास। और ये जो पुल था जो सिटी को जोड़ता था, मेन पुल यही था जो इस्लामी होटल से और नव भारत होटल तक, नव भारत होटल हिंदू होटल है, वहाँ तक वहाँ पुलिया थी। वहाँ उस पुलिया का और हमाम बावड़ी से पुलिया तक का रोड जो गया था उसका नाम था याकूब रोड, और वो याकूब रोड आज भी कायम है। और वही राम भवन, ये अपना नव भारत होटल के सामने से एक टन था, उस टन का नाम भी वही रोड का
दिया गया था याकूब रोड, और वो याकूब रोड आज भी चल रहा है। तो ऐसी हालात से गुजरते 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 आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि वो हम तो ये सोचते हैं कि हम 100 साल पीछे देहात में रह रहे हैं, ना हमें कोई सहूलियत मिल रही है और ना हमारे लिए कोई इंतज़ाम है, ना रोड रास्ते का इंतज़ाम है, ना अच्छे पानी का इंतज़ाम है, ना ड्रेनेज लाइन की निकासी का इंतज़ाम है। क्या उस दौर में गफूर सैयद, गुलाम अहमद बीए और अनवर बुबेरे साहब, इन लोगों की जद्दोजहद से भिवंडी निज़ामपुर में पानी की निकासी हुई है, और वो पानी इन्होंने लाया है। उसके बाद ड्रेनेज लाइन बिछाई गई, इससे पहले टैंकर चलता था सेफ्टी संडास के पानी के निकालने के लिए। तो उस दौर में जब ड्रेनेज लाइन बिछाई गई तो थोड़ी सहूलतें हुई, लेकिन ये 10-15 साल के दौरान जो हम जो तकलीफ उठा रहे हैं, या ये तकलीफें बर्दाश्त के बाहर हो गई है। अब 15-20 साल हो गए, ना हमारे इलाके में डामरीकरण हो रहा है, ना रोड रास्ते की सफाई हो रही है, ना गंदे पानी की निकासी हो रही है, गटरे फूटी हुई है, लोगों को गंदा पानी पीने में आ रहा है, इससे लोग बीमार हो रहे हैं। या और ये हम पब्लिक को इस मौजूद मौके पर बताना चाहते हैं कि आप नुमाइंदगी चुनो, अच्छे नुमाइंदों को लाओ और उनसे ये जिल्लत की ज़िंदगी से उनसे रिक्वेस्ट करो कि अगर आपको काम करना है तो अच्छे ढंग से काम करो, हमको तुम्हारी कमाई से कोई मतलब नहीं। जब भिवंडी निज़ामपुर म्युनिसिपैलिटी के लिए जब भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका का ऐलान हुआ तो हम बहुत खुश हुए थे। हम इतना खुश हुए थे कि चलो हमारे भिवंडी निज़ामपुर शहर नगर पालिका के लिए महानगर पालिका आ रही है, तो हम ये सोचे थे कि बहुत अच्छी चीज़ लेकर आएंगे, हमारे लिए कुछ नया लेकर आएंगे, हमारे लिए कुछ प्रोग्राम होगा या कुछ डेवलप होगा, हम बहुत खुश हुए। लेकिन वो जब आए तो हम और कुछ सोचे थे, और जब हमारे नज़र में आया तो हमको ऐसा लगा कि भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर के पालिका के अधिकारियों ने बजाय प्रोग्राम लाने के बड़े बड़े वेट लाए, जिसको पेपर वेट से पहचाना जाता है, और वो वेट पेपर वेट हमारे काउंसिलरों के सर के ऊपर इतना बोझा लाद दिए कि वो जो म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी करते रहे या उसके ऊपर इनका कोई जोरोबस नहीं चला, और इनकी गर्दन आज तक के झुकी रही, हमें कोई चीज़ की सहूलत नहीं। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आने वाले चुनाव के लिए कि अच्छे नुमाइंदों को चुनो और उनके लिए सहूलतें फार्म करो। हमें जो सहूलतें मिलनी चाहिए, हम टैक्स भरते हैं, हम म्युनिसिपैलिटी भरते हैं, हम शिक्षण कर भरते हैं, हम संडास पट्टी भरते हैं, लिहाजा हम दल भी भरते हैं। तमाम ये भरने के बावजूद हमें तमाम सहूलतों से दूर रखा गया है। इसके लिए हम लोगों से अपील करना चाहते हैं, खास करके भिवंडी नगर पालिका के नुमाइंदों से और नगर पालिका के वोटरों से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उनसे अजीजी करना चाहते हैं कि आप चुनाव में जो भी लोग खड़े हों उनको सोच समझ कर, अच्छे ईमानदार लोगों को, मेहनत कश लोगों को जो वाकई अवाम की खिदमत करना चाहते हैं उनको पहचानो, और उनके लिए जद्दोजहद मेहनत करो, ईमानदार अच्छे लोगों के लिए
या आप शामिल हो, उनको वोट दो और उनसे अच्छे से अच्छे काम ले लेंगे। आपकी कमेटी का क्या नाम है? हमारी कमेटी का नाम है तीन बत्ती मुर्गी मोहल्ला, मैं जरा थोड़ा भूल रहा हूँ, तीन बत्ती मुर्गी मोहल्ला जमात एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, ये मैं और हम जमात के लोगों से, और जमात के लोग हमारे लबो लबाब पे ताउन कर रहे हैं और हम उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे कि जो लोग ईमानदारी से हमारे पेश आए और अपनी ईमानदाराना हैसियत बताएं। हमें इंजीनियर और वकीलों की ज़रूरत है जो अच्छे से अच्छा काम करें, मौका परस्तों से दूर रहें, या यही हमारी चाहत है। और हम ये चाहते हैं कि इसमें तमाम नगरवासी शरीक हों और हमारे हम ख्याल में लोगों से ताउन करें और अच्छे नुमाइंदों को चुन कर लाएं ताकि वो हमारे भिवंडी शहर का डेवलप करें। भिवंडी महानगर पालिका के लिए अच्छा डेवलप करे और हमको सहूलत दे, हमारी तमाम सहूलतें मुहैया कराए, इसके लिए मैं अपील कर रहा हूँ। बस आगे शुक्रिया नवाजी।